जो आंकड़े हम 15-20 साल से देख रहे हैं, अगर 28% उम्मीदवार हैं तो जीतने वक्त 40 से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोग ज्यादा मात्रा में जीत के आते हैं। इस बार देखो क्या होता है। अभी तक तो हमारा यही था कि जो उम्मीदवार हैं 28% हैं और जो विधायक बन के आए हैं वो 40 से ऊपर है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही अहम हमारा राज्य है। अगर इस टाइप के दानी उम्मीदवार सभी विधानसभा में बैठे हैं तो यहाँ का विकास कैसे होगा। एक आध बड़े नेता होंगे, वो कुछ अच्छा काम कर भी रहे होंगे, मगर आमतौर से तो नहीं होने वाला है। पिछले बार हमारा जो था, जिसको हमने कंसोलिडेट आधार पर तैयार किया था, कि कुल 18% आ रहा था, और इस बार हम देख रहे हैं कि 26%। तो आप सीधे तौर पे देखिएगा कि 8% क्रिमिनल्स केसेस के जो प्रत्याशी हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। धनबलियों में 9% बढ़ोतरी हुई है। 17 और 22 का कुल 5 साल का अंतर है, और इस 5 साल के अंतर में इस तरह की बढ़ोतरी तो ये प्रतीत करती है कि राजनीति अब धनबली और बाहुबलियों के पास ही जाती हुई दिखाई देती है।